साथियों, यदि आप भी एक पीएफ धारक हैं या फिर ईपीएफ पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर अगर आप जॉब करने के दौरान आपका जो पीएफ कटता है उसकी कुछ डिटेल आपके पास होती है। दोस्तों जैसे आप उसमें एडवांस क्लेम करते हैं या फिर आपका कोई फुलन फलन क्लेम करते हैं, आपका क्लेम स्टेटस नहीं सेटल होता है, तो इन सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको एक ईपीएफओ की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है सभी लोगों के लिए। दोस्तों उन्होंने क्या किया हुआ है कि अभी वो जो डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट जाके अपना वेन्यू को लगाएंगे और वहाँ पर जाकर के आप अपना एक जो भी आपकी परेशानी है, जो भी अपनी शिकायत है, जो भी उनका मतलब कंप्लेंट है आपकी, तो वहाँ पर आप जाकर के उनको सीधा डायरेक्टली बता सकते हैं। दोस्तों ऐसा ईपीएफओ ने खुद बताया हुआ है अपने ऑफिशियल नोट्स में। और दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फॉर एम्प्लॉय डाउनलोड और बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज़ न्यू पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल, सीधा मैं बैक करता हूँ थोड़ा सा और आपको ऑफिशियली मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों व्हाट इज़ न्यू पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं फुल एंड फाइनल जैसे सी ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑफिशियली उन्होंने नोट किया हुआ है, अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए वेन्यू डिटेल वाइज डिस्ट्रिक्ट कैंपस अंडर निधि आपके निकट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सो ऐसे में क्या होगा कि आपके जो भी आपकी शिकायत है वो आप जाकर के डायरेक्टली इनको बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेन्यू डिटेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैंपस अंडर निधि आपके निकट 2.0 उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो इसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट के निकट आपका एक कैंपस लगेगा ईपीएफओ की तरफ से और वहाँ पर जाकर के आपको बताना है। और दोस्तों बता दूँ ये आपको कब मिलेगा, ये भी दोस्तों बताते हैं, ये दोस्तों आपको 27 तारीख को मिलेगा, जो भी आपकी डिटेल मतलब मंथ की 27 जो रहेगी डेट उस डेट को आपको मिलेगा। तो इसको मैं आपको एक और जगह से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और कट करता हूँ पहले मैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ईपीएफओ की जो ऑफिशियल मतलब इन्होंने ट्विटर पे भी अपना दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर महीने को आपको 27 तारीख को निकट हर मतलब निधि आपके निकट 2.0 के माध्यम से ईपीएस के सभी देश के सभी जिलों में संपर्क आयोजित करता है, मतलब संपर्क कार्यालय जहाँ पर जाकर के आप अपना जो भी आपकी शिकायत है वो यहाँ पर आप दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपका पीएफ सेटल नहीं हो रहा है या फिर आपका किसी प्रकार का केवाईसी है वगैरह है, कुछ भी आपके कंप्लेंट है ईपीएफओ को लेके, अगर आप ईपीएफ पेंशन धारक हैं और आपका पेंशन का पैसा पर्याप्त नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर आप जाकर के अपने जिलों की संपर्क कर सकते हैं वहाँ पर कार्यक्रम में जाकर के। और इसको मैं नीचे यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 अप्रैल का दिन है खास, ईपीएफओ लाया आपके पास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप नीचे की तरफ और जाएंगे तो यहाँ पर निधि आपके निकट 2.0 जिला संपर्क कार्यालय हर महीने की 27 तारीख को जिले में विशेष शिविर, दोस्तों शिविर के माध्यम से बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा वो भी देख सकते हैं, सदस्यों को एवं पेंशनरों के साथ सूचना का आदान प्रदान, जहाँ भी आपकी सूचना जो भी रहेगी वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अपनी जो भी शिकायत है जो भी आपकी बात है वहाँ पर आप रख सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, सदस्यों एवं पेंशनों की शिकायत का त्वरित निवारण वहाँ पर तुरंत आपको मतलब सॉल्व किया जाएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बता दी जाएगी और कैसे उसको सॉल्व करना है वो भी आपको बताया जाएगा और वहाँ पर सॉल्व की जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ये दोस्तों अगर आप एक पीएफ धारक है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके ज़िले में निकट ही अभी ये शिविर लगेंगे हर महीने की 27 तारीख को, मतलब ऐसा 27 अप्रैल को बताया गया है। 27 अप्रैल के दिन में आपके जो भी ज़िले हैं वहां पर आप जाकर के ईपीएफओ जो भी कार्यालय रहते हैं वहां पर आप जा सकते हैं, 27 अप्रैल को दिया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, धन्यवाद।